Hi, assalamu alaikum everyone. This is Bilal Ashraf with the Jubilee Befikar Moment of the Match PSL Final. So today's man of the match is the magnificent Babar Azam. Babar, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक फाइनल जीतने की. कुछ आदत से आपने बना ली है मैन ऑफ द मैच होने की. पहली दफ़ा कराची में खेल रहे हैं और पहली दफ़ा ही जीत गए हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आया है. और बिल्कुल 5 साल से वेट कर रहे थे और कराची किंग्स आज फाइनल जीत गए. और मैं ये कहूँगा कि लोगों की बहुत दुआएं थी, कराची वालों के बहुत दुआएं थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. वो आए नहीं लेकिन उन्होंने बाहर बैठ के टीवी पे बैठ के बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है. बाबर, आज हमने देखा कि जो बॉल है वो थोड़ा फंस के आ रहा था, रुक के आ रहा था, एग्जैक्टली सही तरह बल्ले पे नहीं आ रहा था. तो अगर कराची किंग्स टॉस जीता तो क्या आप लोग भी पहले बैटिंग करते? बिल्कुल, जैसा हमने सुबह प्लान किया था, हम अगर टॉस जीते तो बैटिंग ही करते, लेकिन मिसरीड हो जाता है विकेट. वैसा बॉल आ नहीं रहा था क्योंकि स्लो आ रहा था, डबल पेस था, ग्रिप कर रहा था थोड़ा बॉल. और दोनों टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम कर रहा था, दोनों टाइम ग्रिप कर रहा था और स्लो बॉल आ रहा था. जो स्लो वन वेरिएशंस के साथ बॉलिंग कर रहे थे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था. और कोशिश यही थी कि फर्स्ट के हम पार्टनरशिप लगाएँ, और पार्टनरशिप हमारी लगी वॉल्टन के साथ, मेरी और वॉल्टन की लगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं लगी. देखें, जब छोटी छोटी पार्टनरशिप लगती हैं तो फिर आप टारगेट अचीव करते हैं. तो कोशिश यही थी कि जितना मैं लंबा जाऊं, जितना मेरे साथ खेलेंगे, मेरे अराउंड खेलेंगे, वो हम मैच जीत जाएंगे. बाबर, आपसे तीसरा सवाल ये है जो कि सबसे ज़रूरी सवाल है कि आज का जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच क्या था, जहां पे आपको लगा कि अब जो है बस कराची जीत गया है? देखें, जो हमने स्टार्ट किया बॉलिंग में, बॉलिंग बहुत अच्छी की और हमने स्ट्रिक किया उनको, जो हमने 135 में, तो वहाँ से लगा कि यार मैच हम जीत सकते हैं. 135 यहाँ पे हो सकता है. वहाँ यही था कि पार्टनरशिप, एक आधे हम पार्टनरशिप लगाएंगे, मैच हम निकाल जाएंगे. तो कोशिश यही थी. मोमेंट मेरे ख्याल से हम जो मैं और वॉल्टन थे वो अच्छी पार्टनरशिप थे, लेकिन उसके बाद फिर बैक टू बैक विकटें गिरी वहाँ पे, थोड़ा सा था. लेकिन जब अमाद भाई आए, उन्होंने फिर साथ दिया, फिर वहाँ छोटी पार्टनरशिप लगी और अच्छा फिनिश हुआ. बाबर, पहली दफ़ा पूरा पीएसएल पाकिस्तान में हुआ है, मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा है पूरा एक्सपीरियंस, पूरा जो पीएसएल पाकिस्तान में हुआ है और ऑफकोर्स कराची फाइनल भी खेला है, हाउ डू यू फील? सर, फीलिंग मैं बता नहीं सकता, काफ़ी मज़ा आया. जो हमारा पहला शुरू में था, लोगों ने इतना सपोर्ट किया, पूरा स्टेडियम पैक था. जहाँ जोन से भी वेन्यू में हम गए हैं, बहुत सपोर्ट मिली, बहुत फैन थे, उन्होंने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया. देखें, जब अपने कंट्री में जब क्रिकेट होती है तो लोग भी वेट करते हैं, हम भी वेट करते हैं कि यार अपना क्राउड जब आपको चेयर अप करता है तो उससे कॉन्फिडेंस ही बहुत मिलता है और आपकी फीलिंग ही कुछ और होती है. तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंजॉय किया. बाबर, ऑफकोर्स लेजेंडरी डीन जोन्स अब हम सब में नहीं है, कराची को वो ये फाइनल जीतते देखते बहुत खुश होते, लेकिन आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या उनकी कोचिंग, क्या ऐसी टिप्स थी जो उन्होंने दी जो आपके साथ हमेशा एक याद बनकर रहेंगी? प्लीज़ बताएं, शेयर करें. कोचिंग देखें, वो हमेशा मुझे उनकी जो चीज़ अच्छी लगती थी कि वो पॉजिटिव ही रहते थे और कभी गिव अप नहीं करते थे और कॉन्फिडेंस बहुत देते थे. वंस अगेन बाबर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग दिस लवली पीएसएल फाइनल 2020. Hope to see you in 2021. All the best. Jubilee Insurance. Befikar Mustaqbil.